यदि आपकी गाड़ी बहुत कम चलती है या लगातार कई दिनों तक एक ही जगह पर खड़ी रहती है, तो ऐसे में आपकी गाड़ी में बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं जो कि आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस खर्च बढ़ा सकती हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको ही ऐसे 5 टिप्स बताऊंगा जो आपको आपकी गाड़ी को मेंटेन रखने में सहायता करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहली टिप है गाड़ी की बैटरी को सुरक्षित रखने के लिए। यह एक कॉमन प्रॉब्लम है कि अगर आपकी गाड़ी कई दिनों तक बिना चले हुए खड़ी रहे तो आपकी गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। इस समस्या से बचने के लिए आपको 2 काम करने हैं। पहला तो ये कि अगर आपकी गाड़ी एक ही जगह पर लंबे समय तक खड़ी रहती है तो आपको गाड़ी की बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को गाड़ी से डिस्कनेक्ट कर देना है और उस टर्मिनल पर वैसलीन, ग्रीस या फिर बैटरी टर्मिनल का कैप लगाकर रखना है। अगर मान लीजिए आपको कहीं लंबे समय के लिए बाहर जाना है तो आप चाहें तो गाड़ी के दोनों टर्मिनल को भी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद बैटरी के टर्मिनल पर कैप, वैसलीन या ग्रीस जरूर लगा दें। दूसरा उपाय यह है कि आपको हर 2-4 दिन में या कम से कम हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी को 5-10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए स्टार्ट करके जरूर रखना है। ऐसा करने से आपकी बैटरी चार्ज होती रहेगी और एक्टिव बनी रहेगी। दूसरी टिप है गाड़ी के टायर्स को सुरक्षित रखने के लिए। जब आपकी गाड़ी एक ही जगह पर लंबे समय के लिए खड़ी रहती है तो गाड़ी के टायर पर एक विशेष जगह पर ही प्रेशर बना रहता है। इस प्रेशर के कारण आपकी गाड़ी के टायर जल्दी खराब होने लगते हैं, वो जगह जगह से फटने और कटने भी लगते हैं। यह स्थिति और भी भयानक हो जाती है जब आपकी कार के टायरों में हवा कम हो जाए। हवा कम होने से या हवा निकल जाने से आपकी गाड़ी के टायर जल्दी से कट और फट जाते हैं। इसके साथ ही अगर आपकी गाड़ी के टायर पर डायरेक्ट धूप पड़े या वो पानी के संपर्क में रहे तब भी टायर्स की रबड़ जल्दी से खराब हो जाती है। इस समस्या से बचने के लिए आपको मुख्यतः 3 काम करने हैं। पहला तो यह कि गाड़ी के टायरों में हवा कम ना होने दें और समय समय पर गाड़ी के टायरों में उचित प्रेशर पर हवा भरते रहें। दूसरा यह कि समय समय पर गाड़ी को आगे पीछे करते रहें जिससे कि गाड़ी के टायरों पर एक ही जगह पर प्रेशर नहीं रहेगा। और तीसरा यह है कि गाड़ी को डायरेक्ट धूप में ना रखें और गाड़ी के टायरों को पानी से भी बचाएं। तीसरी टिप है फ्यूल टैंक को फुल रखना। देखिए यह ग्लास है, इसमें पानी नहीं है, तो इसमें क्या है, इसमें है हवा। हवा में होता है मॉइस्चर और मॉइस्चर के कारण जंग लगती है। इसी तरह से अगर आपका फ्यूल टैंक खाली है यानी उसमें फ्यूल नहीं है तो उसमें भी हवा होगी, हवा में नमी होगी और नमी आपके फ्यूल टैंक और फ्यूल लाइन्स में जंग लगने का कारण बन सकती है। इसलिए आपको हमेशा अपने फ्यूल टैंक को, अपनी गाड़ी के फ्यूल टैंक को फुल रखना चाहिए। जब गाड़ी चलती रहती है तो उस समय फ्यूल टैंक फुल ना होने पर भी फ्यूल के हिलने डुलने से फ्यूल टैंक और फ्यूल लाइन्स में जंग नहीं लग पाती, लेकिन जब गाड़ी खड़ी रहती है तो जंग लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अगर आपकी गाड़ी एक ही जगह पर लंबे समय के लिए खड़ी हुई है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी गाड़ी का फ्यूल टैंक फुल रखें। चौथी टिप है अपनी गाड़ी की नियमित सफाई। आपकी गाड़ी चले या ना चले आपको अपनी गाड़ी को अच्छी तरह साफ रखना चाहिए। आपको अपनी गाड़ी की नियमित सफाई करनी चाहिए और गाड़ी को अंदर एवं बाहर से अच्छी तरह साफ रखना चाहिए क्योंकि यह गंदगी आपकी गाड़ी के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है। आपको अपनी गाड़ी को गंदगी से बचाने के लिए गाड़ी को हमेशा कवर से ढककर रखना चाहिए। यह कवर आपकी गाड़ी को धूल, मिट्टी और गंदगी से तो बचाता ही है, साथ ही धूप और पानी से भी आपकी गाड़ी की रक्षा करता है। ऐसा करने से आपकी गाड़ी का पेंट भी लंबे समय तक चमकदार बना रहता है। पांचवी टिप है कि आपको अपनी गाड़ी को धूप एवं पानी से बचाना है। यदि आपकी गाड़ी डायरेक्ट धूप में खड़ी हुई है या उसमें लगातार पानी लग रहा है तो निम्नलिखित समस्याएं हो सकती हैं। गाड़ी में प्रयोग होने वाले रबड़ के पार्ट्स जैसे कि टायर्स, वाइपर इत्यादि जल्दी खराब हो जाएंगे। गाड़ी की बॉडी में जंग लग सकती है, गाड़ी का पेंट जल्दी खराब हो सकता है एवं गाड़ी के ब्रेक्स आदि भी जाम हो सकते हैं। ऐसे ही धूल, धूप, मिट्टी, पानी इत्यादि के बहुत सारे नुकसान हैं, इसलिए आपको अपनी गाड़ी को धूल, मिट्टी, धूप और पानी से बचाना चाहिए। तो जल्दी से जाइए और अपनी शान की सवारी का ख्याल रखिए, लेकिन जाने से पहले लाइक बटन को जरूर दबा देना और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।